बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 4। आई एम समरा रशीद, योर साइंस टीचर हियर इन BFC नुशहर ऑफ रोज। डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल विल बी फाइन। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर साइंस क्लास। डियर स्टूडेंट्स, एज वी स्टडीड इन प्रीवियस लेक्चर अबाउट मैटर एंड इट्स फॉर्म्स, ओके, नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट सॉलिड्स। डियर स्टूडेंट्स, सॉलिड इज स्टेट ऑफ मैटर। बेटा, जैसे कि हमने अपने कल लेक्चर में पढ़ा था, मैटर की स्टेट्स, मैटर की कितनी स्टेट्स होती हैं? 3 इट स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ओके। तो आज हम मैटर की फर्स्ट स्टेट पढ़ेंगे। फर्स्ट स्टेट मैटर की क्या है? सॉलिड, ओके। नेक्स्ट स्टूडेंट, सॉलिड थिंग्स जो होती हैं उनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्लोजली पैक होते हैं, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं। जैसे कि इसके जो पार्टिकल्स होंगे बेटा, जैसे कि ये सॉलिड के पार्टिकल हैं, ये कैसे बने हुए हैं? सॉलिड के जो पार्टिकल होते हैं वो बहुत ही क्लोजली पैक होते हैं, ओके। जैसे कि मैंने आपको कल बताया था, पार्टिकल, सॉलिड के जो पार्टिकल होते हैं वो बिल्कुल एक दूसरे के साथ क्लोज होते हैं, ओके। और इनमें मोशन नहीं होती। इनमें मोशन जो होती है वो कैसे होती है? वाइब्रेटली मोशन होती है, मीन्स के ये अपनी ही जगह पर हल्की हल्की वाइब्रेट करते रहते हैं, ओके। जैसे कि हमारा मोबाइल होता है, मोबाइल वाइब्रेट करता है, ऐसे ही जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं वो अपनी ही जगह पे मूवमेंट करते रहते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करके नहीं जाते, ओके। बेटा, जैसे कि ये डायरी है, डायरी क्या है? एक सॉलिड मटेरियल है। ये क्या है? एक सॉलिड मटेरियल है। अब इस डायरी के अंदर जो इसके पार्टिकल्स होंगे वो क्या होंगे? एक दूसरे के साथ बिल्कुल क्लोजली पैक होंगे, और इनके अंदर जो मोशन होगी वो कैसी होगी? वाइब्रेटली मोशन होगी, ओके। जैसे कि ये ग्लास है, ग्लास भी क्या है? एक सॉलिड मटेरियल है, ओके। और इसके जो पार्टिकल्स होंगे वो भी क्या होंगे? एक दूसरे के क्लोज होंगे, ओके। जैसे कि आप इस क्लासरूम में बहुत सी चीज़ें देख रहे हैं, इस क्लासरूम के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो किसकी बनी हुई हैं बेटा? सॉलिड की, ओके। दिस ऑल थिंग्स आर मेड फ्रॉम सॉलिड। ये सब चीज़ें किसकी बनी हुई हैं? सॉलिड की बनी हुई हैं, ओके। और इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे के साथ क्लोजली पैक है, मीन्स कि एक दूसरे के साथ अटैच हैं, और इनमें मोशन कौन सी है? वाइब्रेटली मोशन करते हैं ये, ओके। नेक्स्ट इज, इन अ सॉलिड द पार्टिकल आर पैक क्लोजली टुगेदर, द पार्टिकल्स आर अट्रैक्ट टू ईच अदर, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी ग्रेट बिकॉज द पार्टिकल्स आर पैक टुगेदर, दे कैन नॉट मूव अबाउट फ्रीली, पार्टिकल्स इन सॉलिड वाइब्रेट इन देयर प्लेस, दिस इज व्हाट गिव सॉलिड देयर शेप, वी सी डैट अ सॉलिड हैव अ डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। स्टूडेंट, सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ क्लोजली पैक होते हैं और एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट करते हैं, ओके। एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट करते हैं, इनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होती है, और ये एक दूसरे के साथ क्लोजली पैक होते हैं, और ये फ्रीली मूव भी नहीं कर सकते। बेटा, जैसे कि मैंने आपको कल बताया था, जो गैसेस के पार्टिकल होते हैं वो मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, बट जो सॉलिड के पार्टिकल होते हैं वो क्लोजली पैक होते हैं और वो मूव भी नहीं कर सकते, और सॉलिड की डेफिनेट शेप होती है। जैसे कि ये पेंसिल है बेटा, ये पेंसिल किसकी बनी हुई है? सॉलिड की। इसकी डेफिनेट शेप है, इस डायरी की भी एक डेफिनेट शेप है, ये अपनी शेप चेंज नहीं कर सकती, ओके। तो सॉलिड जो है, हम ये कह सकते हैं कि सॉलिड की डेफिनेट शेप होती है और इसका डेफिनेट वॉल्यूम होता है, ओके स्टूडेंट्स। नेक्स्ट इज लिक्विड, द पार्टिकल्स इन अ लिक्विड आर नॉट पैक टुगेदर सो क्लोजली, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स इज नॉट सो स्ट्रॉन्ग, द पार्टिकल्स मूव अबाउट मोर फ्रीली, द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स आर ग्रेटर, दिस मीन्स डैट लिक्विड कैन फ्लो, लिक्विड्स कैन बी पर्ड इन टू एनी शेप ऑफ कंटेनर, अ लीटर ऑफ वाटर इज स्टिल अ लीटर, नो वाटर, नो मैटर वॉट कंटेनर इट इज पुट इन टू, लिक्विड to have definite volume but they do not have fixed shape. The students, liquid जो हैं, liquid के particle जो होते हैं वो closely pack नहीं होते, जैसे कि आप इस jug में देख रहे हैं, liquid के particle जो हैं वो closely pack नहीं है, इनमें क्या होता है? space होता है,
इनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, बट इनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती। इनके जो पार्टिकल्स हैं वो फ्रीली मूव कर सकते हैं, ओके इनके अंदर स्पेस नहीं होता, स्पेस इनके अंदर ज़्यादा होता है, और सॉलिड के पार्टिकल के अंदर स्पेस नहीं होता। बट जो लिक्विड के पार्टिकल हैं वो फ्लो भी कर सकते हैं, और लिक्विड जो है उसकी कोई शेप नहीं होती, जैसे कि सॉलिड जो है सॉलिड की शेप होती है और डेफिनेट वॉल्यूम होता है। बट बेटा जो लिक्विड है इसका डेफिनेट वॉल्यूम तो होता है बट इसकी डेफिनेट शेप नहीं होती। इसकी शेप कैसे होती है, जैसे कि हम लिक्विड को जिस भी चीज में डालेंगे वो उसी जैसी अपनी शेप ले लेगा। जस्ट लाइक बेटा जैसे कि मेरे पास ये वाटर है, वाटर की कोई शेप नहीं होती, ओके अब इस ग्लास की शेप डिफरेंट है, इस ग्लास की शेप डिफरेंट है। अगर इस वाटर को मैं इस ग्लास के अंदर डालूंगी तो इसकी शेप कैसी हो गई, इस ग्लास जैसी, ओके तो जो वाटर होता है, जो लिक्विड मटेरियल होता है उसकी कोई भी शेप नहीं होती। लिक्विड चीज़ें कौन सी होती हैं, जैसे कि वाटर, जूसेस, ये सब क्या होती हैं बेटा, ये लिक्विड चीज़ें होती हैं। अगर हम इनको कप के अंदर डालेंगे तो इनकी शेप कैसी हो जाएगी, कप जैसी हो जाएगी। अगर हम इनको ग्लास के अंदर डालेंगे तो इनकी शेप कैसी हो जाएगी, ग्लास के अंदर हो जाएगी, ओके सो लिक्विड हैव नो शेप बट लिक्विड हैज़ डेफिनेट वॉल्यूम, लेकिन लिक्विड का डेफिनेट वॉल्यूम होता है, ओके लिक्विड डू नॉट हैव डेफिनेट वॉल्यूम बट दे डू नॉट हैव अ फिक्स शेप। लिक्विड जो है बेटा उसका डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता, डेफिनेट वॉल्यूम होता है बट उसकी फिक्स शेप नहीं होती। हम उसको जिस कंटेनर के अंदर डालेंगे वो वैसी ही शेप ले लेता है, ओके डियर स्टूडेंट्स नाउ इट्स टर्न टू योर होमवर्क। नाउ टुडे इज योर होमवर्क इज रीड एंड अंडरस्टैंड सॉलिड एंड लिक्विड। बेटा आपको सॉलिड और लिक्विड पढ़ना है और इसको समझना भी है, सॉलिड के फंक्शंस क्या हैं, लिक्विड के क्या हैं, और आपको कोई भी 10 ऐसी चीज़ें लिखनी हैं जो सॉलिड और लिक्विड से बनी हुई हैं, ओके राइट एनी 10 थिंग्स विच इज़ मेड अप ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। ओके स्टूडेंट्स वी विल बी कंटिन्यू अवर नेक्स्ट क्लास टुमारो, ओके थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।